आई एम फ्रॉम ओडिशा. ओडिशा मालूम ना, साउथ में, वेस्ट बंगाल के. नॉट अ ग्रेट ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओडिशा सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट किए जाने वाले स्टेट्स में से. साइड में छत्तीसगढ़ है, उसने डैम बनाया, पानी ले गए. ऊपर वेस्ट बंगाल है, चूतिया बनाया, रसगुल्ला ले गए. मैंने उनको बोला अभी, मैं कहा यार एक हमारे पास और चीज़ है. कह रहा क्या? मैं कहा वो एक एनुअल साइक्लोन सब्सक्रिप्शन पैकेज है, तो चाहिए क्या? कह रहा दे दो. हमने दे दिया इस साल. हटके 74 हो गए. कह रहे उड़ी बाबा. मैं कहा वो उड़ रहे हैं बाबा. उड़ीसा में इतने बार साइक्लोन आ चुका है, इतने बार साइक्लोन. वी डोंट इवन कॉल इट अ नेचुरल डिजास्टर, वी जस्ट कॉल इट नेचुरल. हर साल साइक्लोन आती है हमारे यहाँ, हर साल साइक्लोन आती है. बट कभी भी आप देखना हमारे चीफ मिनिस्टर सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी कोई फंडिंग नहीं लेते हैं डिजास्टर रिलीफ फंड, क्योंकि उनका स्ट्रिक्टली मानना है कि यार एक नेचुरल डिजास्टर के लिए दूसरे नेचुरल डिजास्टर से पैसा क्यों ले. जैसे कि मैंने बताया मैं ओडिशा से हुआ है ना. ओडिशा इज द मोस्ट लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री अपार्ट फ्रॉम बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड TCS. और अपन क्या है, सबसे गरीब स्टेटों में भी जाने जाते हैं, लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेटों में जाने जाते हैं. तो फिर कभी भी शो करने जाता हूँ ना, मुझे बकायदा बताना पड़ता है कि मैं फ्लाइट से आया हूँ. सामने वाले यकीन नहीं करते, बोल पड़ते हैं इसको देखा था तुम वही हो ना, पैदल चल के आ रहे थे घर लॉकडाउन के टाइम, देखा तुम्हें मजदूर. गाइज मैं पैदल वैदल नहीं जाता हूँ, ठीक है. मैं ट्वीट करता हूँ, सोनू सूद मेरे लिए बस अरेंज करता है. मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. कितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास है, गिव मी अ लाउड चीयर. कुरला से जो आए वो तुम गरीब ही हो. मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा को अभी नया शौक चढ़ा है गार्डनिंग का. हाल ही में रिटायर होकर आए हैं. गार्डनिंग इज अ ग्रेट हॉबी, बट प्रॉब्लम है हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं. हमारे पास गार्डन है नहीं इनका ये शौक पूरा करने के लिए. गार्डन के नाम पे हमारे घर पे दो गमले रखे हुए, डाल दिया उसको पानी, दो दो घंटे डाल, वन गमला पर आवर की स्पीड पर. प्रॉब्लम वो भी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है उसमें से एक पौधा कैक्टस है. कोई भेदभाव नहीं किया. मैंने बोला पापा ऐसा तो कोई सिर्फ गांजे के नशे में ही कर सकता है. हाँ तो मैंने दूसरा गमला देखा. मैं पापा ये रिया चक्रवर्ती भुवनेश्वर आई थी. मेरे पापा वैसे तो सभ्य कपड़ों में जाते हैं ऑफिस, पर उनको समझ में नहीं आता कि मेरे घर पे गेस्ट आए तो पूरे कपड़े पहनने होते हैं. वो कह रहे तेरे दोस्त है ना मेरे थोड़ी. मैं कहा पापा आप अपने दोस्तों से भी ऐसे ही मिल लेते हो. पापा लोग मेल आउट चेयर, अगर आपको लगता है पापा लोग नेशनल यूनिफॉर्म है, फटी बनियान और लुंगी. ये यूनिफॉर्म कौन डिसाइड किया और इतने यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्म क्यों मेंटेन हो रहा है? मेरा बाप वही कपड़े पहन के गार्डन में पानी डाल रहा है. मेरे पड़ोसियों ने उनको कभी देखा नहीं था क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उनको लग रहा है मैंने माली ले रखा. साइड वाले अंकल आकर बोल रहे हैं कि और बेटा कॉमेडी से बहुत पैसा आ रहा, माली माली ले रखा है आपने. मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा तो मैंने रहने दिया. मैंने कहा बेचारा कर रहा है अपना काम करने दो, आप डिस्टर्ब मत करो. दो दिन के सिलसिले में कलकत्ता गया हुआ था किसी शो के लिए, वापस आया तो अंकल ने मुझे पकड़ लिया. कहते बेटा इधर आओ, तुमसे थोड़ा बात करना है. मतलब क्या हो गया अंकल? कहते बेटा वो तुम्हारा माली है ना, माली, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे. मैं क्या हो गया?
कह रहे बेटा तुम घर पर नहीं थे, तुम्हारी मम्मी को क्लोज हो रहा था। मैं अंकल, शक्ल देखी आपने उसकी, मालिक और माली की शक्ल मिलती जुलती है नहीं। अगर क्लोज होना हो तो 28 साल पहले हो चुके हैं। यही वो पौधा है जिसको वो पानी डाल रहे हैं। मैं कहा मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरी एजुकेशन भी सरकारी स्कूल में हुई है ना। कितने लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं? चार लोग तो हैं, गुड, अच्छा लगा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्र विद्यालय, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बेस्ट है भाई, केंद्र विद्यालय में आप पढ़ते हो ना तो गलती से गलत चीज़ें सीख जाते हो। मतलब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी थी, हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर ही नहीं था। आपको लग रहा हो इट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट मी टेल यू इट्स नॉट। वो बस हमारे टीचर चाहते थे कि हम बच्चे जो हैं डाउन टू अर्थ रहे। प्रॉब्लम हो जाता था यार, मतलब फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो आप सुसाइड कैसे करोगे? कहाँ से कूदोगे? क्योंकि आपको सुसाइड करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत, एक होता है विल पावर, दूसरा होता है छत। दोनों ही नहीं है। होमवर्क ना करने के डर से मैं छज्जे से कूदा हूँ। गर्ल्स यू नो छज्जा, लेट मी एक्सप्लेन, यू नो मसकली, हाँ वो लोग जिधर पॉटी करते हैं ना। मैं छज्जे से कूदा हूँ। होमवर्क ना करने के डर से मैं छज्जे से कूदा और मैं मरा नहीं। हाथ पैर टूट गए, 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में कैद रहना पड़ा। 3 महीने बाद जब वापस आया, 4 महीने का होमवर्क दोबारा करना पड़ा। मतलब 10th तक जो है मैं सिर्फ केंद्र विद्यालय में पढ़ा, और जैसे 11th स्टैंडर्ड हुआ मेरे पापा को रियलाइज हुआ कि मेरा एजुकेशन फक हो रहा है, तो उन्होंने सीधा मुझे DPS में डाल दिया। 10th तक केंद्र विद्यालय, 11th में DPS, आप सोच रहे हो क्या कल्चरल शॉक लगा है मेरे को। मतलब 11वीं कक्षा में जाके मुझे पता चला लड़कियों को घुटने होते हैं। केंद्र विद्यालय में पढ़ने के अपने अपने फायदे भी हैं, है ना। जैसे हम बच्चे कभी किडनैप नहीं हो सकते। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे कभी भी कोई बच्चा किडनैप होता है वो हमेशा हाईफाई स्कूल का होता है। DPS का बच्चा हुआ अगवा, सेंट जोसेफ का बच्चा हुआ किडनैप, कभी नहीं देखा होगा आपने कि केंद्र विद्यालय का बच्चा हो गया किडनैप। नहीं होते हम, पता क्यों? हाँ, क्योंकि हम कर रहे होते हैं। हम ही अमीर बच्चों को बुलाते हैं कि इधर आओ यार, क्या करोगे मर्सिडीज में बैठे, ओमनी में बैठ के देखो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कहाँ जा रही है। कह रहा भाई इतनी स्मूथ है? नहीं नहीं स्मूथ नहीं, तेरे मुंह पे क्लोरोफॉर्म मार दे। केंद्र विद्यालय में यार झगड़े सही से नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि कमिश्नर का बेटा भी वहीं पढ़ रहा है, प्यौन का बेटा भी वहीं पढ़ रहा है, तो इतना डिफरेंस है ना कि आप झगड़े सही से कर नहीं पाते। क्या ही करोगे? झगड़े का रूल ये है कि जैसे ही आप सामने वाले के साथ झगड़ा मोड़ो, आप सबसे पहले ये बोलो कि ओए तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। वहाँ आप ये बोल ही नहीं सकते हो, क्या ही बोलोगे? ओए तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है? जानता हूँ साले, उसी के ऑटो में बैठ के आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तभी तू आ पा रहा है। माई एजुकेशन इज फंडिंग योर एजुकेशन। मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट है जो सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स तीनों को बांधता है, वो एक कॉन्सेप्ट है। गिव मी अलाउ चेयर, अगर आपके साथ कभी ये हुआ है, इट्स कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट। हुआ है? हाँ, जिनको पता नहीं सरप्राइज टेस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ नहीं होता है, टीचर का सुबह सुबह मूड का माँ का चू तला। टीचर आती है, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर कहती नो इट्स नॉट। मैं कहता हूँ मैम बट इट्स सच अ गुड मॉर्निंग मैम, सी मैम सी द वेदर, इट्स सच अ गुड मॉर्निंग सी। मैम कहती यू विल सी।
मैम ने पेपर बांटने चालू कर दिए, पेपर बटी तो मेरी फटके हो गई 4, मेरे बाजू वाली की हो गई 8, उसके बाजू वाली की हो गई 12। आप देख रहे हो हम ना चाहते हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख चुके हैं। और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो आई लुक्ड एट अ फ्रेंड जो कॉन्वेंट स्कूल से आया था, अच्छे स्कूल से, है ना, वो नहीं होते दाउ शैल हेल्प अदर्स। मैं सीधा गया, मैं कहा दाउ शैल गिव वाइन इफ यू शैल हेल्प। बंदा मान गया। मैंने कहा देख भाई मेरी मदद कर दे वरना मैं फेल हो जाऊंगा। ही सेड डूड आई विल हेल्प यू बट यू ऑल्सो हैव टू हेल्प योर सेल्फ। मैं कहा कैसे? कहता देख भाई पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो 1 बार खांसना, दूसरे का तो 2 बार, तीसरे का तो 3 बार, चौथे का तो 4 बार, पांचवे का तो 5 बार, एंड सो ऑन। मैं कहा प्लान अच्छा है, लेट्स एग्जीक्यूट। पेपर है बटी, मैं फंसा 25वें क्वेश्चन में। ये जो लोग हंस रहे हो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उस दिन बायोलॉजी का पेपर था और मेरे हाईएस्ट नंबर थे, बिकॉज 25वां क्वेश्चन ये था कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 25 बार खांसने का तो मेरे फेफड़े मुंह से बाहर आ गए। आप देख रहे हो चीटिंग इतना कन्वीनियंट हो गया। टीचर ने 11 नंबर दिए 10 में से, कहती इतनी रियलिस्टिक ड्राइंग तो हमने आज तक नहीं देखी। लोग 2D 3D पेंटिंग बनाते, तुमने चलते क्लास में वर्किंग मॉडल बना दिया। मेरे फेफड़े वहां फड़प रहे हैं, साइड में बच्चे पेपर सबमिट कर रहे हैं, बच्चों को आ रहा मजा, बच्चे उसको उठा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, उसमें से निकल रहा है टार, पीछे से राहुल द्रविड़, इस शहर को ये हुआ क्या? मैंने कहा मैडम अच्छा हुआ आपने 8th चैप्टर तक एग्जाम रखा था, 9th चैप्टर से कुछ आ जाता तो उसको भी निचोड़ देते क्या? अच्छा हम सबने सेम ही टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, ठीक है फिर गुड। मैंने एक चीज रियलाइज करी है स्कूल में रहते कि हैंडराइटिंग जो है 3 टाइप की होती है, एक होता है गुड, एक होता है गुड जिसमें डी साइलेंट होता है, और तीसरा होता है कैसे समझाऊं आपको, खरगोश की टट्टी देखी आपने? हाँ, उसको ब्लू कलर में इमेजिन, क्योंकि मैं ब्लू जेल पेन से लिखता था। टीचर ने पेपर करेक्शन के टाइम पे एक बार बोला इधर हो इधर हो, ये क्या है, ये तुमने पेपर में हक दिया है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बोथ। ऐसा तो बड़े हो के तुम, मैंने कहा मैम डॉक्टर बनूंगा, कहते खरगोश बनोगे। मैम मैम प्लीज बताइए मैं लाइफ में क्या करूंगा अगर ऐसी हैंडराइटिंग रही तो। आइडियली मैम को कहना चाहिए कि तुम बड़े होके डॉक्टर बनोगे, बट मैम ने कहा नहीं तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, देखो तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, तुम करोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और तुम स्पेशलाइजेशन करोगे साइबर सेल एनक्रिप्शन में। मैंने कहा मैम ये सब आप मेरे हैंडराइटिंग से बता सकते हैं? कहती यस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग इन एनक्रिप्टेड लैंग्वेज। कह रही सुबह से 2 TCS के इंजीनियर मंगा रखे फिर भी डिकोड नहीं हो रहा। मैं कहा मैम प्रॉब्लम यही है आपने TCS से मंगा रखा।